मच ए के वाजपेयी साहब, जो प्रोफेशन से वकील भी हैं और एलजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आभा सिंह एडवोकेट हैं, जानी मानी एडवोकेट हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कई कई मरतबा कई केसेस में उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। आभा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स सामने निकल के आए। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि आखिर इतनी पॉलिटिकल ये बातें क्यों, कि आखिर अगर एक निष्पक्ष जांच हो रही है तो उस पर इतने सवालात क्यों खड़े किए गए, मैं ये जानना चाहता हूं आज आपसे। हमारे साथ अनुराग मौजूद हैं लखनऊ से। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि सुशांत राजपूत जी की हत्या हुई है या उन्होंने सुसाइड किया है, ये सच जनता के सामने आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आना भी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो, मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक जज, सिटिंग जज की अध्यक्षता में अगर हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि बात यह नहीं है, अगर महाराष्ट्र की सरकार की पुलिस पे, अगर बिहार की पुलिस और केंद्र सरकार विश्वास नहीं करती तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पुलिस है उस पर हम विश्वास कैसे कर ले। लगातार यहाँ पे जो इनकाउंटर हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ उसकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों लखनऊ में विवेक तिवारी के हत्याकांड के जो हुआ उसमें सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? झांसी में पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? बागपत में सुमित गुजर का इनकाउंटर हुआ सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? आजमगढ़ में मुकेश राजभर का हुआ ये फर्जी इनकाउंटर, इनकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? एक बात। दूसरी बात, सीबीआई भी तो अपने आप में प्रूव करे। या आपने देखा होगा सीबीआई के अंदर कितना भ्रष्टाचार था, किस तरह से दो अधिकारी आपस में लड़े थे। इसलिए मैं कहता हूं अगर सुशांत राजपूत जी की, अगर आपको आपको वाकई उसके न्याय चाहिए तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में सिटिंग जज बैठे तब यहाँ पे असली न्याय होगा। अगर केंद्र सरकार ये सोचती है कि मैं कंट्रोल से न्याय करना चाहूंगा, क्या आप किसी पे यकीन नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भी किसी को यकीन नहीं होगा? इसके मतलब जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पुलिस ठीक है और जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ पुलिस ठीक नहीं है। ठीक है, न्याय मिलना चाहिए। आपने एक पॉइंट रखा, मैंने सुना आपकी पॉइंट, आपकी बात सुनी। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर में जो विधायक संसद कह रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी इंक्वायरी क्यों ना हो, सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? और जो आईपीएस ने चिट्ठी लिखी थी, एक आईपीएस ने चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पे रेड लिस्ट जारी होती है पोस्टिंग के लिए, रेट लिस्ट जारी होती है, इस वजह से यहाँ अपराधियों लगातार जो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, इतनी हत्याएं बढ़ी, आप बताइए क्यों ना उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो? उसकी सीबीआई इंक्वायरी आपने अपनी बात रखी। मैं पूछना चाहता हूँ वाजपेयी जी, वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है अनुराग जी, मैंने बात सुनी आपकी। लास्ट पॉइंट है सर, लास्ट अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास। निकाल के डीएचएफएल को दे दिया गया था, याद होगा आपको, इसी सरकार में, क्यों ना उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो? उसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। पीएफ, पीएफ क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद जीने का सहारा होता है, उसको उसको इस सरकार ने डीएचएफ की उसको बैंक को दे दिया था, क्या उसकी इंक्वायरी सीबीआई नहीं होनी चाहिए? इसलिए केंद्र सरकार सीबीआई को अपने कंट्रोल में करके अगर इस तरह की बातें करना चाहती है तो ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि जो हत्या हुई है या सुसाइड है, ठीक है, आपका पॉइंट हमने ले लिया, लेकिन राजनीति, आपका पॉइंट ले लिया, हमने आपका पॉइंट ले लिया, केंद्र सरकार सोचती है पूरे देश में। अनुराग, आपका पॉइंट ले लिया, आई हैव टेकन योर पॉइंट। ठीक है, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, ठीक है।